जब से मैंने समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी को लेकर वीडियो बनाए हैं, तब से लेकर आज तक किसानों की समस्याओं के लगातार कमेंट आ रहे हैं मूंग खरीदी को लेकर। कोई कह रहा है स्लॉट बुक नहीं हो रहा, कोई कह रहा है कि खरीदी की तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं, कुछ किसान कह रहे हैं अभी तक पेमेंट नहीं डला है। मूंग खरीदी को लेकर जितने भी वीडियो अभी तक मैंने बनाए सभी पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं आप सभी के प्यार और सपोर्ट से। उसी तरह इस वीडियो पर भी आप अपना प्यार जरूर दीजिए। वीडियो मूंग खरीदी को लेकर होने वाला है, पूरा वीडियो देखकर लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मूंग खरीदी को लेकर शुरू से ही राजनीति चल रही है और इसका शिकार मध्य प्रदेश का मूंग किसान हो रहा है और काफ़ी समस्याओं के सामना किसानों को करना पड़ रहा है। सामने बारिश का दौर चल रहा है और मूंग खराब होने की स्थिति में कई किसान जो है खरीदी केंद्र पर पहुँच रहे हैं और मूंग से लेकर कई समस्याएं उनके सामने आ रही है। मूंग खरीदी की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और सिर्फ 7 से 8 दिन बचे हैं। ऐसे में कई किसानों के कमेंट आ रहे हैं लगातार, क्या मूंग खरीदी की तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं। तो इसका जवाब यही है कि बिल्कुल बढ़नी चाहिए, क्योंकि काफ़ी किसानों का स्लॉट बुक नहीं होने की वजह से मूंग नहीं बिक पाया है और किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे थे और लेकिन फिर से स्लॉट बुक होने लग गए। कुछ किसानों का ये भी कमेंट है कि हमारा पेमेंट नहीं आया है, कम से कम 20 से 22 दिन हो गया है। ऐसा बहुत से किसानों के साथ हुआ है, कम से कम 16,000 से ज़्यादा किसानों का पेमेंट रुका हुआ है, जिसको लेकर मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था। तो जल्दी सभी का पेमेंट भोपाल से जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार भी विचार विमर्श कर रही है कि क्या प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से पेमेंट रुका हुआ है। स्लॉट बुक फिर से शुरू होने लग गए हैं। मूंग खरीदी 2024 की समस्याओं की और मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान खींचने के लिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं और आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।